ये देखो पास में और पास में फिर ठीक, ये आप देख रहे हैं ये भाई इतना चला ऊपर है। ओए ओके ना, ओके मत छू, ओके मत छू, ओए तो ऊपर है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग, हमारे चैनल अंकित यूपी सिक्स में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे भाई। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, और फिर मैं वही चीज कहूंगा, तुम्हारे भाई का नया चैनल आ गया तो उस पर मस्ती मजाक बहुत सारे वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं अंकित यूपी 60 राइडर पे, जिसपे तुम्हारे भाई का मोटो ब्लॉगिंग होगा ठीक। तो उस चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उस चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर देना, उस पर तो अंकित भाई के लाइफ से रिलेटेड सारे वीडियो आने वाले हैं ठीक। तो आज मैं दिखाने वाला भाई स्किन इन्फेक्शन के बारे में ठीक, मेजर के मेजर के ऊपर भी फिर स्किन इन्फेक्शन स्टार्ट हो गए। तो उसका रीजन ये नहीं है कि आप टाइमली इसको नहला नहीं रहे हैं या फिर टाइमली इसको रख नहीं रहे हैं, मतलब उसका क्या रीजन है ये मैं बता देता हूँ कि क्यों स्किन इन्फेक्शन हो रहे हैं। चल बैठ भाई, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पहले स्किन इन्फेक्शन ठीक। फंगस इसके स्टार्ट, जबकि टाइमली नहलाता, टाइमली इसको नहलाते हैं, परसों ही नहाया है ठीक। हम मैं हफ्ते में दो बार नहलाता हूँ, लेकिन जहां से भी हल्का सा कुछ भी लग जाएगा ना कि इस वाले पैर पर। चल बैठ 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 बैठ, चल सुत, अभी नहीं बैठेगा, देखो पास में आके दिखाओ। ये देखो पास में और पास में ठीक, ये आप देख रहे हैं ये भाई इतना लगना ना, मतलब समझ लो कि 2 से 3 दिन काफी होता है। अगर आपने 1-2 दिन भी ध्यान नहीं दिया ना तो काफी बड़े हो जाते हैं। एक्चुअली वो कल का है, वो कल का हुआ है, कल मैंने देखा, लेकिन मैं इतना बिजी रह गया कि मैं नहीं आ पाया। तो फिर आज सुबह में फिर हमको सडनली याद आया, तो फिर मैं अभी गया डेटॉल लेकर आया वहां पे लगाने के लिए। डेटॉल लगेगा तो सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होता रहता है। तो गर्मी भाई इसका रीजन ये नहीं है कि आप इसको टाइमली नहीं नहला रहे हो या फिर इसलिए हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। गर्मी का सीजन चल रहा है, अब मेजर के बाल झड़ने स्टार्ट हो गए। अभी मैं बोल रहा था, दिखा था कि मेजर के बाल नहीं झड़ रहे हैं, लेकिन मैंने कल भी वीडियो में बताया, ये देखिए कितने सारे बाल निकल रहे, आप खुद देख सकते हैं। अब बालों की क्वांटिटी आप देख सकते हैं, देखिए कितने सारे बाल निकलने स्टार्ट हो गए, ये देखो एक बार टच करने पे। तो मेजर का भी बाल झड़ने स्टार्ट हो गए भाई इतनी गर्मी में। और मेजर उधर सामने देखो मिट्टी भी खोलना स्टार्ट कर दिया ठंडी ठंडी की जगह पाने के लिए ठीक। जैसा कि मैंने दिखाया कि मैं इसको कूलर भी चला रहा हूँ, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो मिट्टी खोज रहा है, ठंडी जगह खोज रहा है बैठने के लिए। वो सामने मिट्टी भी देख रहे, कार के पास कितना मिट्टी खोना हुआ है। तो ये इसका ये इन्फेक्शन होने का रीजन बस ये है कि कुछ भी लग जाने के कारण ये बार बार वहां पे टच करेगा, बार बार जीभ से चाटेगा, तो वहां के बाल झड़ जाएंगे, वैसे रेड हो जाएगा। और इसका मैं ऐसे तो मैंने 6 साल से डॉग रख रहा हूँ, तो ऐसा तो हमको अक्सर देखने को मिलता रहता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है। आप लोग जाए टेंशन मत लीजिएगा कि नहीं ये क्या हो गया ये क्या होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये बार बार चाटेगा, इसके बार बार चाटने की वजह से वहां पे हुआ है। और एक चीज कहूंगा कि अगर आप बस 2 से 3 दिन लेट करोगे ना भाई, तो वहां पे छेद हो जाएगा, वहां मांस पे छेद हो जाएगा, और अंदर अंदर कीड़े पे देखो मक्खी बैठ रही है ना, मक्खी वहां पे बैठेगी लैटरिन करेगी ना, तो वहां पे फिर वो इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा। सबसे ज्यादा इन्फेक्शन का डर वही रहता है कि मक्खी बैठ जाती है, लैटरिन कर देंगी, फिर वो गंदा होगा, फिर ये जीभ से चाटेगा वो सब, और इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर मतलब 2 से 3 दिन का बस मैंने देखा है, हमसे जब मैं पहले रखा था तो मैंने ध्यान नहीं दे पाया, तो मैं देखा 2-3 दिन में सीधे वहां पे गड्ढा हो जाएगा, फिर वहां पे कीड़े पड़ जाएंगे, छोटे छोटे कीड़े पड़ जाएंगे, फिर वो घाव बड़ा हो जाएगा। मतलब इन्फेक्शन के मामले में बहुत तेजी से इन्फेक्शन इन लोगों का बढ़ता है, बहुत तेजी। बस ये 2 दिन का है, आप ध्यान से फिर से एक बार देख लीजिए, बस 2 दिन में कैसा हो गया है। और अभी ये फिर चाटेगा, फिर इसको बढ़ा लेगा ठीक। मतलब जितना ये चाटेगा उतना वो इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा, फिर वहां पर छेद हो जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे। तो आप लोग सिंपली कुछ नहीं करना है, बस आप लोग को डेटॉल लगा देना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जाओ मार्केट से, डॉग कैनल पे जाओ, कोई दवा लेकर आओ, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल है भाई, बस वो छोटा सा एक नॉर्मल सा इन्फेक्शन है, जो कि इसके चाटने से वो बढ़ता जा रहा है। ये नहीं है कि वो इन्फेक्शन है, अगर ये ना चाटे तब भी वो बढ़ता चला जाएगा, अगर स्टार्टिंग ना चाटा होता ना तो वो सही हो जाता, लेकिन इसके बार बार चाटने की वजह से वो इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। तो आप ये मत सोचना कि इसको कोई बीमारी हुआ है, ऐसे इन्फेक्शन पूरे इसके बॉडी पे फैल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, बस इसके चाटने की वजह से वो बढ़ रहा है। अब डेटॉल लगाएंगे, मतलब 1 दिन में 3-4 बार ऐसे लगाएंगे ना तो सही हो जाएगा, मतलब मक्खी वगैरह ना बैठे, आपको इस चीज का ध्यान देना है। तो सिंपली डेटॉल लगा देंगे वहां पे, बस आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि उस पर मक्खी वगैरह ना बैठे, ये बार बार उसको चाटे ना, वो जल्दी सही हो जाएगा। मतलब अब तो आप लोग आंख के सामने
मतलब ऐसा मैं कई बार हो चुका है, तो अब मैं आप लोगों के सामने लाइव दिखा दूंगा कैसे फिर सही हो जाएगा। 2-4 दिन में खुद दिखा दूंगा, 2 से 4 दिन में खुद वो सही रिकवर हो जाएगा। तो इसमें गलती ना मेजर की है ना गलती हमारी है, मतलब ना आपके डॉग की गलती है ना आपकी गलती है कि आप टाइमली नहला नहीं रहे हो या फिर जो कुछ भी। हल्का सा कुछ भी लग जाएगा, ये बार बार चाटने लगेगा, खुजली कर देगा, वहां पे बाल हट जाएंगे, फिर बार बार चाटेगा, रेड हो जाएगा, फिर जहां मक्खी वक्खी बैठेंगी गंदगी लगेगी, इन्फेक्शन तुरंत हो जाएगा। तो भाई हम बोले जर्मन शेफर्ड को रखने में गर्मी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ऐसे गर्मी में रहने वाला डॉग नहीं है। हालांकि ये रह लेता है वो बात अलग है, लेकिन जितना गर्मी पड़ रहा है ना भाई हम लोग परेशान हो जा रहे हैं, तो सोचो ये तो डॉग ही है। इसके शरीर पे कितने सारे भालू जैसे बाल है, ठंडी में ऐसे आराम से खुले आसमान के नीचे सोता है, तो आप इसका लेवल समझ सकते हो कि इसको कितनी गर्मी लग रही है। देखो गर्मी में कितना हाफ रहा है। तो ये प्रॉब्लम है भाई, गर्मी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है डॉग रखने पर। इसलिए बोलो सिंगल कोट कहीं ना कहीं सही है यार, जितना डबल कोट लॉन्ग कोट में प्रॉब्लम है ना, सिंगल कोट सही है। चला जा, रुक लगावे दे, मर लगा। पहले इसको ढक्कन ले लेंगे तो पूरा डब्बा खराब कर देंगे हम, इसको साइड में रख ले। तो पूरे दिन भाई कम से कम 3 से 4 बार लगाने हैं। देखो जो खुजली होने लगा चला, परेशान होने लगा, चल बैठ 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 बैठ, रुक। देखो भाई कैसे परेशान हो गया इतने में, बस एक बार बस मैंने टच किया ना उतने से भाई। ऐसे बस 3-4 बार आपको लगाना है एक दिन में, 3 दिन भर में 3 से 4 बार ऐसे वो डिटॉल लगा रहेगा, तो वहां पे मक्खी भी नहीं बैठेगा, मक्खी नहीं बैठेगा, इन्फेक्शन नहीं रहेगा, बार बार वहां चाटेगा भी नहीं, तो सही हो जाएगा। मतलब ऐसा सही हुआ है, आपको टेंशन नहीं लेना है कि आप कैनल पे जाओगे उसको फोटो दिखाओगे तो भाई वो लंबा चौड़ा बिल बनाएगा, दवा दिखाएगा, डेटॉल से सिंपली सही हो जाएगा। चल बैठे यहाँ पे बैठ, मेजर बैठ। तो पैर छुपा रहा है, चलो आ जाए। देखो कैसे छुपा रहा है वो उसको, पैर को छुपा लिया उधर। ए मेजर गड्डी का टायर फट गया भाई, डर गया मेजर। देखो पूरा एंगुलेशन में खड़ा है गाड़ी का टायर फटा है भाई अचानक, तो ऐसा तो कांड होता रहता है। मेजर को पूरा चूक गया है इसका डेटॉल लगा देते हैं सैंपल। चला भाई ये डर गया, मतलब वो डेटॉल लगाने पे ना वहां पे प्रॉब्लम होता होगा, इसलिए दो बार बार छिपा ले रहा है भाई। ए भाई परेशान कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स करेंगे ना तो भाई एग्रेसिव हो जाता है भाई, से रियलिटी बता रहा हूँ, इसके ऊपर ज्यादा फोर्स करेंगे ना तो एग्रेसिव हो जाता है। चला जा, चलो लगाओ दे, ये भी लगा नहीं दे रहा। चला चला देखो भाई कैसे भाग रहा है इसको देखते ही। चला कलुआ मार लगा वो, बस आराम से लग गया भाई डिटो। ऐसे ही मतलब पूरे दिन में आपको 3 से 4 बार लगाने हैं और 2 से 3 दिन में रिकवर हो जाएगा भाई। टायर फटा है ना बारिश लिए डर गया। और साफ बता देता हूँ कि मतलब आप लोग ये मत सोचना कि आप अपने डॉग का केयर अच्छे से नहीं कर रहे हो या फिर उसको टाइमली, अगर टाइमली नहीं नहला रहे हो तो उसकी बात पहले। देखो डर के भाग गया, सीढ़ी के नीचे गया, और कोई भी आवाज आती है भाई पटाखा भी बजता है ना तो ऐसे ही डर जाता है। देखो दिवाली में पटाखा बजता है तो भाई बहुत डरता है, मतलब जब से मैंने इसको लाया ना तब से मैंने पटाखा वटाखा बजाना छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़। देखो कैसे मत डरता है ना तो यहीं पे आके बैठ जाता है, और वो टायर का आवाज बजा इतने तेज फटा है डर गया। तो मतलब आवाज से बहुत तेज डरता है, पटाखा का आवाज सुन लेगा ना तो भाई रियलिटी मानो घर में मतलब बिल्कुल आपके पास चिपक के बैठेगा, तो पटाखों से बहुत तेज डरता है। तो जब से मैंने इसको रखा था सब मैं तुम्हारा भाई पटाखा वटाखा भी नहीं जलाता घर से बाहर, मतलब उसे मार्केट में शॉप पे जला ले ऐसे नहीं जलाते। आप लोग सामने लाइव अभी जल्दी बुलाएंगे तो नहीं आएगा। चल मैं जगह था
देखो अब नहीं बोले, फिर जाके बैठ गया, देखो फिर जाके बैठ गया। तब इसको बुलाते हैं वहां पे, चल मैं जरा कलुआ चला इन्हें, डर गया है भाई, चला बैठ जा, फैन ऑन करें, टेबल फैन इसके लिए चला है, बैठ जा बैठ, चला ही जा, ही जा, ही जा, ही जा। चले जाए जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ आए, ओपन ओपन ए बैठ, यस चल बैठ बैठ। इन्फेक्शन इसका 2 दिन में दिखा देंगे भाई, 2 दिन में फिर रिकवर हो जाएगा। तो अगर आपको आपके भी डॉग को हो और ना हो तो चेक करते रहना भाई, कभी भी हो सकता है, क्योंकि गर्मी में जर्मन शेफर्ड रखना सबसे बड़ा सर दर्द हो रहता है, मतलब इसके ऊपर केयर करना पड़ता है। तो ये तो मैंने कल का ही देखा था, लेकिन मेरे पास समय नहीं मिल पाया कि मैं ध्यान दे पाऊँ, लेकिन जैसे ही आज याद आया तुरंत गया अभी मार्केट से लेकर आए, डेटॉल लगाए। तो आप भी ध्यान देते रहना, इन्फेक्शन इस टाइम हो सकता है, मतलब जो भी प्रॉब्लम होता है जर्मन शेफर्ड में गर्मी में होता है, ठीक है। तो ध्यान देना भाई, और उतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग ज्यादा टेंशन मत लेना, परेशान नहीं होना, ये बस एक नॉर्मल है, नेचुरल है, जो कि इसके चाटने से घाव बढ़ जाता है और कुछ नहीं। बस प्रॉब्लम तब होती है कि जब आपने 2-3 दिन ध्यान नहीं दिया तो ये घाव बढ़ के छेद हो जाएगा, वहां पे कीड़े पड़ जाएंगे, कीड़े पड़ने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ गई भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट कर बताना कैसी लगी वीडियो, कैसी नहीं लगी। और तो आपने अंकित भाई के सेकंड चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, उस चैनल पे ज्यादा मजा आने वाला है, और इस चैनल पे केवल मेजर से रिलेटेड वीडियो पड़ेंगे, और उस पर सारे वीडियो अंकित भाई के आते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई।